वेल्डिंग प्रिपरेशन 2024 का थर्ड पेपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वेल्डिंग केबल किस धातु की बनी होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। यानी कि वेल्डिंग की जो हमारी केबल होती है, इलेक्ट्रोड केबल हो गई या अर्थिंग केबल हो गई, ये सब किस मेटल की बनी होती है, कॉपर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, वेल्डिंग करते समय यदि जॉब टेढ़ा हो जाता है तो वेल्डिंग में इसे क्या कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, डिस्टॉर्शन। वेल्डिंग करते समय जॉब गर्म होता है, जिससे क्या है कि मेटल फैलता है, और जब जॉब ठंडा होता है तो मेटल के क्या नेचर है कि ठंडा होने पर वो मेटल क्या होता है, सिकुड़ता है। तो इस फैलने और सिकुड़ने के बीच में जो स्ट्रेस रह जाता है, या जो जॉब में अंदर टेढ़ापन आ जाता है, या जॉब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जब दो धातुओं को पिघलाकर एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो उससे जो नई धातु बनती है उसे क्या कहते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, अलॉय मेटल। यानी कि दो धातुओं को पिघलाकर मेल्ट करके जब आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, और मिश्रण से जो नई धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं, यानी कि अलॉय मेटल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, माइल्ड स्टील का गलनांक बिंदु कितना होता है, यानी कि माइल्ड स्टील को कितना गर्म करेंगे तो वो माइल्ड स्टील पिघल जाएगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1350 डिग्री सेल्सियस से 1530 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि हम माइल्ड स्टील को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाता है, और इसी को गलनांक बिंदु कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, SMAW का पूरा नाम क्या है, यानी कि SMAW की फुल फॉर्म क्या है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वही वेल्डिंग होती है जो नॉर्मल हम जनरल पर्पज कार्य करने में जो वेल्डिंग यूज़ करते हैं, जो छोटे मोटे वर्कशॉप में हम यूज़ करते हैं, तो उसी को हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते समय किसका उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वेल्डिंग हेलमेट। देखिए, जब हम ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग वर्क हमारी हाइट से ऊपर की हाइट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वेल्डिंग से निकलने वाला स्लैग, स्पेटर्स, चिंगारियाँ ये हमारे चेहरे के ऊपर और हमारे सिर के ऊपर गिर सकती है, तो वेल्डिंग के दौरान आर्क से अपनी आँखों को बचाने के साथ साथ ही सिर को भी चिंगारियों और स्लैग से बचाने के लिए ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग करते समय हेलमेट, यानी कि वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग जरूर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेल्डिंग टोंग किस धातु की बनी होती है, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, माइल्ड स्टील की। आपको पता है जब हम वेल्डिंग करते हैं किसी जॉब को तो वो जॉब गर्म हो जाता है, और उस जॉब को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उस जॉब को पकड़ने के लिए हम वेल्डिंग टोंग का इस्तेमाल करते हैं, और वो वेल्डिंग टोंग किस धातु की बनी होती है, बिल्कुल राइट, माइल्ड स्टील की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वेल्डिंग करते ही जॉब पर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, जिसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जॉब में क्रैकिंग आ जाएगी। आपको पता है हम जब भी वेल्डिंग करते हैं जॉब के ऊपर, यदि उस भीड़ के ऊपर सडनली वेल्डिंग करते ही पानी डाल देंगे तो उसके अंदर क्रैक आ जाएगा, वो जॉब बीच में से क्रैक हो जाएगा, वो वेल्डिंग बीड बीच में से क्रैक हो जाएगी। तो उस क्रैकिंग से बचने के लिए जॉब को आराम से धीरे धीरे ठंडा होने दें, सडनली उसको ठंडा करने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गैस वेल्डिंग फ्लेम बंद करते समय सबसे पहले कौन सी गैस का वाल्व बंद करते हैं। याद रखना, जब भी हम गैस वेल्डिंग का फ्लेम बुझाते हैं या बंद करते हैं तो सबसे पहले हमें एसिटिलीन गैस का वाल्व बंद करना है, उसके बाद में ऑक्सीजन का वाल्व बंद करेंगे। तो ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे गैस फ्लेम स्टार्ट करना है या चाहे फ्लेम बंद करना है, दोनों समय हमेशा एसिटिलीन गैस का ही वाल्व ओपन या क्लोज करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ। धन्यवाद।